कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के स्वास्थ्य को लेकर अटकलों का दौर अभी भी जारी है। ताजा दावे में उत्तर कोरिया के प्रमुख विद्रोही ने कहा कि तानाशाह किम जोंग उनकी हालत बेहद नाजुक है और वे अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। इससे पहले आई खबरों में कहा गया कि किम जोंग उन कोमा में चले गए हैं। कुछ खबरों में तो यहां तक दावा किया गया कि किम जोंग उन की मौत हो गई है। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के स्वास्थ्य को लेकर किए जा रहे किसी भी दावे की पुष्टि करना अपने आप में असंभव है। इसकी वजह यह है कि उत्तर कोरिया ने खुद को दुनिया से अलग रखा हुआ है और वहां हर चीज गोपनीय रखी जाती है। उत्तर कोरियाई समाचार पत्रों ने किम जोंग उन की 11 अप्रैल को ली गई तस्वीर के अलावा और कोई तस्वीर नहीं छापी है। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि किम जोंग उन बीमार है या नहीं। इसके साथ ही आपको बता दें कि किम जोंग उन खुद से चल भी नहीं पा रहे हैं। पूर्व उत्तर कोरियाई राजनयिक थाई योंग हो ने कहा कि किम अपनी खराब सेहत से जूझ रहे हैं। दक्षिण कोरिया में सांसद बन चुके थाई योंग हो ने कहा, मुझे इसका पूरा विश्वास नहीं है कि किम जोंग उनकी वास्तव में कोई सर्जरी हुई है या नहीं, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि वे खुद से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं या चल भी नहीं पा रहे हैं। जिंदगी और मौत से जूझ रहे किम जोंग उन। इसके साथ ही आपको बता दें कि कौन होगा उत्तरी कोरिया का बारिश। अक्सर अमेरिका को ठेंगा दिखाकर मिसाइल टेस्ट करने वाले नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन इन दिनों अलग वजहों से चर्चे में है। कुछ दिन पहले दावा किया गया कि किम जोंग फिलहाल बुरी तरह बीमार है और जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। अब ऐसे में अमेरिका तक इस बात की चर्चा है कि किम की जगह कौन लेगा। वह उनकी बहन होगी, उनका लड़का होगा जो महज 10 साल का है, या फिर उनका भाई जो राजनीति से दूर संगीत में डूबा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APNS न्यूज़।